गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं रोशन चिकने और आज अपन चालू कर रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग का एक चैप्टर, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्या करना है? तो 10 से 15 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। कंफर्म एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। जर्नल एंट्री सॉल्व करने का होता है इस चैप्टर के अंदर और एक छोटा सा लेजर बनाने को होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है। उसका पहला रीजन ये है, दो रीजन है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चैप्टर को स्किप कर देते हैं। रीजन वन कि उनको क्वेश्चन क्या है वही समझ में नहीं आता है। सेकंड रीजन, किसी को क्वेश्चन समझ में भी आया तो आगे जाके मुसीबत ये है कि जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेसिक नॉलेज वीक होता है जर्नल एंट्रीज बनाने का, हाउ टू पास एनी काइंड ऑफ जर्नल एंट्रीज फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, इधर वो लोग मार खाते हैं। इसके लिए चैप्टर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्कीप कर लेते हैं। बट आज ये जो अपन फर्स्ट वीडियो लेक्चर बनाने जा रहे हैं इस चैप्टर के ऊपर, अगर इसको अच्छे से केयरफुली अगर लिसन करोगे तो आपको कोई भी काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का दिया जाएगा तो क्वेश्चन तुम आराम से पहचान लोगे। उल्टा क्वेश्चन खत्म होने से पहले तुम खुद ये इमेजिन कर पाओगे कि क्वेश्चन में आगे क्या हो सकता है। और मैं ये एश्योरेंस देता हूँ कि तुम क्वेश्चन खुद से भी मल्टीपल क्वेश्चन बना सकते हो। ओके, मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ लगभग 80-100 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। यूट्यूब के ऊपर वो सब अपलोड करने पॉसिबल नहीं है, बट ये एक स्टोरी है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा। तो उस स्टोरी के ऊपर आज अपन बात करेंगे, ठीक है? तो अच्छे से सुनना, बहुत काम आएगा। जिनको जर्नल एंट्रीज का दिक्कत है तो मैंने कैसे जर्नल एंट्रीज पास करना है, उसका क्या बेसिक्स होता है, उसका एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, वो जर्नल एंट्रीज का भी तुम वीडियो लेक्चर देख सकते हो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज का लेक्चर मैं अलग से बनाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ये स्टोरी विद एन एग्जाम्पल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसको ये समझ में आ गया समझो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर ही तुम्हारा हो गया। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात करते क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्यों ये बनाया जाता है, क्या जरूरत पड़ी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, ठीक है? सबके ऊपर एक एक करके मैं बात करूंगा। बस ये आने वाले 10-15 मिनट ये जो मैं स्टोरी बना रहा हूँ उसको अच्छे से सुनना, तो जाके आपको मजा आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़ने में और इसके आगे और अच्छे से समझने में। ओके, तो ये दो पर्सन आपको दिखाई दे रहे, तो मैं चलो इनको फिलहाल एक नाम दे देता हूँ। इसको बोल देते हैं मिस्टर ए, ओके, और इसको बोल देते हैं मिस्टर बी। भूल जाओ थोड़ा टाइम के लिए कि अपन कि तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझने जा रहे हो। ये एक स्टोरी के माफिक बस इस चीज को सुनते रहना। तो एक मिस्टर ए और एक इधर मिस्टर बी है। तो मिस्टर ए कौन है? बोलता है मिस्टर ए इज अ सेलर। नाउ हु इज सेलर? सेलर इज अ पर्सन हु विश टू सेल। नाउ हु इज मिस्टर बी? तो मिस्टर बी एक बायर है जो क्या करना चाहता है, गुड्स बाय करना चाहता है। ये जो गुड्स बाय करना चाहता है उसका ही सेलर कौन है? मिस्टर ए है। तो ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है दोनों में? ये जो मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या किया, गुड्स सेल किया अराउंड अप्रोक्सीमेटली से 10,000 रुपीज का। फिर मिस्टर बी ने वो गुड्स एक्सेप्ट किए और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को उस 10,000 रुपीज का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ये तो एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन है जो रोजमर्रा की बिजनेस लाइफ में लाखों करोड़ों बार होते रहता है। तो क्या हुआ, एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, मिस्टर ए सेलर ने क्या किया, मिस्टर बी को से अराउंड 10,000 रुपीज का गुड्स बेचा, बदले में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को पेमेंट कर दिया। तो ये ट्रांजेक्शन का और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कुछ कनेक्शन है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या, सेकंड सिचुएशन सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए, मिस्टर ए ने ये जो मिस्टर बी को गुड्स बेचा ना 10,000 का, बदले में मिस्टर बी ने पेमेंट किया था ना, इट मींस ये जो फर्स्ट वन जो मैंने ट्रांजेक्शन डिस्कस किया उस ट्रांजेक्शन को बोला जाता है कैश ट्रांजेक्शन। क्या बोलने का, कैश ट्रांजेक्शन। अभी सेकंड ट्रांजेक्शन में डिस्कस कर रहा हूँ, अच्छे से डिफरेंस समझना। मिस्टर ए ने अगेन मिस्टर बी को 10,000 रुपीज के गुड्स सेल किए बट मिस्टर बी ने उसको पेमेंट नहीं किया। पेमेंट में बोलता है बाद में करूंगा, मुझे एटलीस्ट 3 महीने का क्रेडिट पीरियड चाहिए। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी का थोड़ा बायोडेटा निकाला, मिस्टर बी के बारे में थोड़ी जानकारी निकाली, तब जाके पता चला मिस्टर बी ने इसके पहले किसी का पैसा डुबाया नहीं है। मिस्टर बी ऐसे क्रेडिट पे गुड्स खरीदता है और उनका पेमेंट भी टाइम पे कर,
देता है, प्लस मिस्टर बी मिस्टर ए का पहचान वाला भी बंदा है, तो क्यों ना उसको क्रेडिट दिया जाए। ऐसा मिस्टर ए ने इंक्वायरी करने के बाद सोचा, चलो इसको क्रेडिट दे देता हूं मैं, और कितने महीने का दे देता हूं, तो सपोज 3 months के क्रेडिट के साथ ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 rupees के गुड्स बेचे। ओके, तो क्या इस सेकेंड ट्रांजेक्शन के अंदर पेमेंट हुआ है? नहीं हुआ। तो क्या सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा? नहीं, यहाँ पे भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आएगा। हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग मैंने अब तक बोला नहीं, लेकिन वो थोड़ा टाइम में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो सुनते रहना। नाउ थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, और कौन सा ट्रांजेक्शन होता है क्या? एक तो बोल दिया कैश ट्रांजेक्शन, एक बोल दिया क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कोई तो सही बोल रहा है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज बार्टर ट्रांजेक्शन। नहीं, बार्टर ट्रांजेक्शन के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता ही नहीं, बार्टर ट्रांजेक्शन को तुम बाहर ही रखो। तो एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दोनों में भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आता है, तो ऐसा कौन सा काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन बचा जिसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा? तो सुनो क्या बोलता हूं। अगेन मिस्टर ए मिस्टर बी 10,000 rupees का गुड्स बेचा, मिस्टर बी ने उसको पेमेंट नहीं किया, तो इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ये बात सही है। तो मिस्टर ए ने क्या देखते हुए मिस्टर बी को क्रेडिट दिया था? कि शायद मिस्टर बी आगे जाके पेमेंट करेगा। बट कुछ दिनों के बाद मिस्टर ए ऐसा फील करता है, क्या फील करता है, कि मैंने जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर दिया मिस्टर बी के साथ एज पर सेकेंड ट्रांजेक्शन, शायद वो मेरा पैसा मुझे नहीं प्रोवाइड करेगा, शायद वो मेरा पैसे का पेमेंट करने के लिए क्या नहीं है, कैपेबल नहीं है। तो अगर ऐसा मिस्टर ए को जाके सेकेंड ट्रांजेक्शन जो उसने किया उसको फर्दर जाके डाउट आ जाता है किसके ऊपर, मिस्टर बी के ऊपर, कि वो अपना पैसा नहीं दे पाएगा, तो मिस्टर ए जाए तो कहा मिस्टर ए को, या मिस्टर बी ऑलरेडी भाग चुका है, किसी और का पैसा नहीं दिया, मेरा 3 महीना अभी तक ड्यू नहीं हुआ था, लेकिन मिस्टर बी है ही नहीं जगह पे, तो मिस्टर बी मेरा पैसा कैसे दे सकता है? तो ऐसे काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन से क्या हो गया, जो सेलर लोग थे, सेलर लोग जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिंदास किया करते थे, किसके साथ, कस्टमर लोगों के साथ, उनको पता चलता है, ऐसे किसी सेलर को पता चलता है कि ये कस्टमर भाग जाता है, पैसा नहीं देता है, और इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं बचता, एविडेंस भी नहीं बचता है कि वो पैसा अपना वसूल कर सके। तो ये बहुत सारे सेलर लोग ने क्या किया, मोस्ट ऑफ द सेलर लोग ने क्रेडिट ट्रांजेक्शन करना ही छोड़ दिया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करना छोड़ दिया, ओनली कैश ट्रांजेक्शन पे गुड्स बेचने लगे। इससे हुआ क्या, इससे एक बात अच्छी हो गई, मिस्टर ए जैसे जितने सारे सेलर है उनको इमीडिएट बेसिस पे कैश का पेमेंट मिलने लगा। बट क्या हो गया, दिक्कत ये हो गई कि उनके कस्टमर्स कम हो गए, बिकॉज सब कस्टमर्स कैश पे गुड्स नहीं खरीदते, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स डिमांड करते हैं क्रेडिट का, लेकिन ऐसे धोखा खाए हुए सेलर लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से उनका सेल कम हो जाएगा, इन शॉर्ट मिस्टर ए का बिजनेस कम हो जाएगा, मिस्टर ए का बिजनेस कम, ऐसा एक एक बिजनेसमैन का बिजनेस कम हो जाएगा, तो आगे जाके शायद पॉसिबिलिटी आ सकता है कि अपना बिजनेस बंद करें। अगर मिस्टर ए जैसे सेलर लोग बिजनेस बंद करने लगेंगे तो इसका इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर आएगा, और इकोनॉमी के ऊपर इसका इंपैक्ट दिखने लगा था, गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू लॉस होने लगा था, गवर्नमेंट को भी टैक्स कम मिलने लगा था। तो इन सब ट्रांजेक्शन को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है कि मिस्टर ए जैसे सेलर क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने को डरते हैं। तब जाके उनको पता चला ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने के लिए इसके लिए डरते हैं क्योंकि मिस्टर बी जैसे बायर लोग क्या क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं ट्रांजेक्शन कर लेने के बाद। तो ये मिस्टर ए नहीं चाहता है कि मेरा नुकसान हो, इसके लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन करता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी लाई जिसमें उन्होंने सोच लिया कि मिस्टर ए जैसे सेलर लोग को हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो गवर्नमेंट हर एक के पीछे, ऐसे दुनिया भर के लाखों सेलर लोग के पीछे तो नहीं जाएगा, हर एक को बैकिंग तो नहीं दे पाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रूमेंट लाया, दैट इंस्ट्रूमेंट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज इजीली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज जस्ट लाइक एन चेक। ये चेक जैसा एक इंस्ट्रूमेंट लाया, और दैट इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट है। क्या करता है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट, तो जस्ट अभी अभी पता चला है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्ट करता है किसके इंटरेस्ट को, प्रोटेक्ट करता है ये सेलर के इंटरेस्ट को। सेलर जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने के लिए डरते थे वो इसके आगे नहीं डरे, ये इंश्योर करेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये कैसे होता है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ड्राफ्ट बनाने बोला गवर्नमेंट ने, बोला तुम सेलर लोग जो ऐसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन करने के लिए डरते हैं, जिनको डाउट है, क्या है डाउट है, किसके ऊपर, मिस्टर बी जैसे बाहर के ऊपर, तो तुम लोग क्या करो, बिंदास क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर लो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करके साथ में ही एक पीस ऑफ पेपर उठाओ, पीस ऑफ पेपर के ऊपर सब डिटेल्स लिखो। कौन सा डिटेल लिखू, तो बोलता है मिस्टर बी यानी तुम्हारा मिस्टर बी बायर की डिटेल दो,
कितने रुपए का ट्रांजेक्शन किया वो डिटेल्स दो, कितना क्रेडिट पीरियड दिया वो सब डिटेल लिखो, ये सब डिटेल लिखते हुए एक पीस ऑफ पेपर बनाओ और उस पीस ऑफ पेपर के ऊपर साइन लो, किसका, मिस्टर बी का। तो ये जो पीस ऑफ पेपर दिख रहा है ना इसको बोलते हैं ड्राफ्ट, और जब भी उसके ऊपर सामने वाले बायर का साइन हो जाता है ना तो ये ड्राफ्ट बन जाता है, ये जो कच्चा बिल था वो बन जाता है पक्का बिल, एंड दैट पक्का बिल इज नथिंग बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई होप आपको ये मीनिंग एंड बैकग्राउंड ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों आया पिक्चर में। नाउ मूविंग अहेड, ओके बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने से सब नहीं होता, आगे जाके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज भी अपने को समझनी पड़ेगी, अच्छे से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो यही यहां से कंसेप्ट को उठा के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं जस्ट आपको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमन फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर देख पा रहे हो तो ये ऐसा एक सैंपल फॉर्मेट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है 12th स्टैंडर्ड वालों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने के लिए, जिसमें आपको अमाउंट देन प्लेस डेट सब डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ड्रॉवर ड्रॉवी क्या होता है ड्रॉवर में थोड़ा टाइम में बोलूंगा। तो एक सैंपल फॉर्मेट है ऐसा एक पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर ये सब डिटेल इस फॉर्मेट में लिखी होती है, इस चीज को बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। अभी के लिए ऐसा समझो 5 मार्क्स का तुम लोग को जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सेम फॉर्मेट बनाने के लिए उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अपन अलग देते हैं, अकेडमिक लेवल पे प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग चलता है, ये मैंने गूगल से फॉर्मेट उठाया जस्ट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया हुआ है। ओके तो फॉर्मेट कैसा होता है समझ में आया है, तो फिर से अपने स्टोरी पे चलते हैं। ये था अपना स्टोरी, ठीक है, क्या बोला अब तक इसके हिसाब से, तो एक बार फिर से फास्ट रिकैप कर दूं। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड कैश पे किया कि क्रेडिट पे किया, बोलता है क्रेडिट पे किया, इट मींस कैश ट्रांजेक्शन रहेगा ना तो कभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो और बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। नेक्स्ट, क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है, हाँ बनता है, बनने की पॉसिबिलिटी है, हर ईच एंड एवरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनना जरूरी नहीं है। तो मैं कुछ एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, अगर तुम क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हो प्लस अगर तुम लोग को डाउट है किसके ऊपर, तुम्हारे बायर के ऊपर क्यों तुझे पैसा देगा या नहीं देगा, ठीक है, उसके पास पैसा है नहीं है तेरे को डाउट लगता है, तो तू जाके क्या कर, ऐसा एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर जो स्पेसिमन मैंने दिखा वैसा फॉर्मेट क्या करो ड्रॉ करो, उसके ऊपर सामने वाले का साइन लो। अभी ये ऐसे डॉक्यूमेंट से क्या होएगा, बोलता है ये पीस ऑफ पेपर से सेलर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होएगा। अगर आगे जाके मिस्टर बी भाग भी जाता है ना तो ये इविडेंस के साथ, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ ये बंदा निकल जाएगा किसके पास, नोटरी पब्लिक के पास। एक नया वर्ड एक नया टर्म लिख रहा हूं तुम्हारे पास, नोटरी पब्लिक, थोड़ा इनके ऊपर भी बात कर लेता हूं। कौन है ये नोटरी पब्लिक, तो ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर्स है। क्या किया नोटरी पब्लिक, गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर्स, इनको ये काम दे दिया कि तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो भी केसेस हो हैंडल करने का, मतलब मिस्टर ए जैसा सेलर का कोई बायर अगर भाग जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने के बावजूद, तो मिस्टर ए ने क्या करने का, ये बिल लेके नोटरी पब्लिक के पास जाने का, उनको उनका जो भी रहेगा थोड़ा बहुत चार्जेस पे करने का, उन चार्जेस को नोटरी चार्जेस बोलते हैं। फिर मिस्टर ए के लिए ये नोटरी पब्लिक क्या करेगा, काम करेगा, और मिस्टर बी जिधर भी छुपा है उसको वहां से ढूंढ के लेके आएंगे और मिस्टर बी के प्रॉपर्टी को सील विल करके प्रॉपर्टी को ऑक्शन में बेच के चाहे जो भी हो जाए मिस्टर ए जैसे सेलर लोगों का पैसा क्या करेंगे, रीपेमेंट करेंगे। तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है किसकी वजह से, एक सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक सिंपल पीस ऑफ पेपर की वजह से। तो अभी मिस्टर ए जैसे सेलर लोग ट्रांजेक्शन करने को डरते नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिंदास कर रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते जा रहे हैं, इससे सेलर लोगों का बिजनेस भी बढ़ रहा है, बायर लोग भी भाग जाने से डरते हैं, प्लस साथ में इससे ओवरऑल अपनी इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और इकोनॉमी अपना डेवलप होती जा रहा है। तो ये एक गवर्नमेंट के पीस ऑफ पेपर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डिसीजन की वजह से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए फायदा हो रहा है। आगे बढ़ना है थोड़ा स्टोरी के अंदर, मुझे और भी कुछ बोलना है, इसके बाद मैं सेम स्टोरी थोड़ा डेट के साथ बोलूंगा, लेकिन उसके पहले तुम पूरा ओवरऑल इंपैक्ट समझो स्टोरी कैसे चलता है। तो अभी है ना मिस्टर ए ने बिल विल बनाया और ऐसा एक बिल उसके पास साइन वाइन करके मिस्टर ए के पास है। अभी मिस्टर ए ने क्या करने का, इस बिल को अपने पास कितना महीना रखने का, तो मैं तो बोलता हूं आइडली उसने 3 मंथ्स तक अपने पास रख देना चाहिए। कोई बोलेगा 3 मंथ्स ही क्यों,
थ्री मंथ्स अपने एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट दिया था थ्री मंथ्स का। अगर क्रेडिट फोर मंथ्स का देता तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी फोर मंथ्स का बनाता, हाँ तो फिर ये फोर मंथ्स तक क्या करता, होल्ड करता, आइडियली बोल रहा हूँ मैं। ओके अगर समझो ऐसा हो गया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचा तीन महीने के क्रेडिट पे, बट एक महीने तक मिस्टर ए को डाउट नहीं आया, एक महीने के बाद उसको लगा मिस्टर बी पैसा नहीं देगा, तो फिर एक महीने के बाद ये बिल बनाएगा ना। एक महीने के बाद अगर बिल बनाते हो तो क्रेडिट तीन महीने का बाकी कि सिर्फ दो महीने का, सिर्फ दो महीने का, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आइडियली कितने महीने का बन जाएगा, तो उस केस में वो दो महीने का बनेगा। तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बिल कितने महीने का बना है उतने महीने के लिए आइडियली सेलर ने अपने पास वो बिल क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। ओके सेलर ये जो अपने पास बिल होल्ड करके रखता है ना, इस होल्ड करने के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग टर्म है रिटेन ऑफ बिल। इसको क्या बोलने का, बिल रिटेन किया, कौन रिटेन किया, मिस्टर ए, कौन रिटेन किया, मिस्टर ए। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। फिर ये तीन महीने या दो महीने के बीच में जब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की फाइनल ड्यू डेट, मतलब जब भी बिल जितना उसको टाइम पीरियड दिया ना वो खत्म नहीं होता है, लेकिन उसके बीच में अगर मिस्टर ए को कैश की जरूरत लगती है, ठीक है, कैश मतलब उसको अर्जेंटली पैसा चाहिए, अर्जेंट पैसा चाहिए, तो मिस्टर बी के पास गया, मिस्टर बी को बोला चल मेरा पैसा दे, मिस्टर बी बोला चल नहीं देता जा, तूने बिल बनाया ना मेरे से, बिल के ऊपर तीन महीना लिखा है ना, तो अभी उसका दिन आने का बाकी है, वो तीन महीना अभी तक खत्म होने का बाकी है, तू कैसे एडवांस में आके मेरे से पैसा मांग सकता है। हाँ मिस्टर बी भी ये मुद्दा उठा के उसके साथ झगड़ा कर सकता है, हाँ तो फिर मिस्टर इज नॉट लायबल टू गेट मनी फ्रॉम मिस्टर बी बिकॉज ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओनली। तो करना क्या है, तो मिस्टर ए के पास एक ऑप्शन है, एक राइट है जो एक्सरसाइज कर सकता है। क्या, मिस्टर ए को बोल दिया तुम्हें ना ऐसा बिल अगर तुम्हारे पास पड़ा और आपको अगर अर्जेंटली कैश की रिक्वायरमेंट है, तो बिल पीस ऑफ पेपर उठा, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उठा और जा बैंक के पास, इसके पास बैंक के पास, मैं बोलता हूँ बैंक का नाम इज देना बैंक, सपोज देना बैंक के पास जा और बोल देना, क्या देना, पैसा। ओके तो देना बैंक के पास जाएंगे, उस बिल को क्या करेंगे, बैंक को दे देंगे, बैंक बदले में तेरे को इमीडिएट बेसिस पे कैश दे देगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्काउंटिंग, क्या बोला जाता है, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। क्या किया डिस्काउंटिंग, मतलब क्या, ये टर्म्स एक एक करके बस दिमाग में ले लो। बिल डिस्काउंट करना मतलब क्या करना, जो मिस्टर ए है उसने क्या किया, अपने पास जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था उसको एक अर्जेंटली कैश की रिक्वायरमेंट थी, तो जस्ट लाइक अ चेक, किसी का चेक अपने को मिलता है तो कैसे अपन बैंक में जाकर डिपॉजिट करते और बदले में कैश लेते हैं, सेम वाला काम मिस्टर ए ने किया, देना बैंक के पास गया, उसको वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया और बदले में उसे क्या लेके आया, कैश लेके आया। ओके अभी देना बैंक या कोई भी और बैंक, जो बैंक डिस्काउंट कर लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बदले में अगर कैश दे रहे मिस्टर ए को, तो बैंक तो एडवांस में कैश दे रही है, तो बैंक वाला थोड़ी ना समाज सेवा करने बैठा है, तो बैंक वाला भी क्या करता है मालूम है, इसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एडवांस पेमेंट करते तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट काटती है, एंड दैट इंटरेस्ट को ही हम बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, ये टर्म समझना अच्छे से, उस इंटरेस्ट को ही अपन डिस्काउंट बोल रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कर ले, डिस्काउंट कर ले मतलब कम प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे बैंक को बेचता है और फिर बैंक अपने को क्या कर देता है, एक पेमेंट कर देता है। तो दिस वाज द सेकंड ऑप्शन विद द मिस्टर ए। फर्स्ट ऑप्शन क्या था, रख संभाल के रख अपने पास, दैट इज रिटेन। सेकंड ऑप्शन क्या बोला, जा बैंक को दे डिस्काउंटेड प्राइस पे दे, तो उसको बोला डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या और कोई ऑप्शन मिस्टर ए जैसे सेलर के पास है, जरूर है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज तू किसी और को कर सकता है एंडोर्स। नाउ व्हाट डू मीन बाय एंडोर्स, एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो बोल दू तो द वर्ड एंडोर्स मीन्स सिंपली ट्रांसफर। क्या करने का, मिस्टर ए ने ये बिल किसी थर्ड पार्टी को से मिस्टर सी को वो ट्रांसफर कर सकता है। नाउ हु इज मिस्टर सी, ये कौन है थर्ड पार्टी, तो मिस्टर ए को किसी और को पेमेंट करना था, मिस्टर ए के ऊपर भी कोई लाइबिलिटी है, तो कोई जैसे मिस्टर बी है ना, मिस्टर बी जैसे मिस्टर बी को पैसा देना है ना मिस्टर ए को, वैसे मिस्टर ए को भी तो किसी को पेमेंट करना रहेगा, उसके ऊपर भी तो कुछ ऑब्लिगेशन रहेगी, तो ऐसा कोई भी बंदा जिससे मिस्टर ए को पैसा देना है, देना है मिस्टर ए को पैसा देना है, इसके पास पैसा नहीं तो इसने सोचा क्या देता हूँ, बिल दे देता हूँ, इस चीज को बोलते हैं, इस ऑप्शन को बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। इट मीन सिंपली ट्रांसफर ऑफ द बिल, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेने का और सीधा उसको दे देने का, उसको बोलने का दो तीन महीने के बाद इसका जब ड्यू डेट आएगा तभी तुझे सामने वाले से पैसा मिल जाएगा। तो दिस वॉज द थर्ड ऑप्शन अवेलेबल विद द अपना मिस्टर ए। क्या और कोई ऑप्शन अवेलेबल है, जरूर है, जरूर है। वन मोर ऑप्शन,
एंड वी कैन से इट इज द लास्ट ऑप्शन दैट इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. बोलता है यही बिल ये मिस्टर ए क्या कर सकता है, अपने बैंक को जाके कलेक्शन के लिए दे सकता है. अभी यहाँ पे भी बैंक है और यहाँ पे भी बैंक थी. यहाँ पे जो बैंक थी उसको अपन डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच रहे थे तो उसको मैंने देना बैंक बोला क्योंकि उससे पैसा अपन मांग रहे थे, देना बोल रहे थे. अभी ये जो बैंक है वो कौन सी बैंक है, तो इस बैंक को मैं नाम देता हूँ तुम्हारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. दिस इज अपना बैंक. अपना बैंक मतलब जहां पे मिस्टर ए का अकाउंट है. मिस्टर ए जाके अपना बैंक को बोल सकता है कि ये बिल रखो, और इस बिल को क्यों रखो, कलेक्शन पर्पस के लिए रखो, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन. दोनों बैंक का मैं डिफरेंस बोलना चाहता हूँ. इस केस के अंदर मिस्टर ए देना बैंक को अपना बिल क्या कर देता है, बेच देता है डिस्काउंटेड वैल्यू पे. किस पे, डिस्काउंटेड वैल्यू पे. बट इस ऑप्शन के अंदर मिस्टर ए अपने बैंक को बिल जस्ट क्या कर रहा है, सेंट कर रहा है, सेल नहीं कर रहा है. यहाँ पे सेल हो रहा है, यहाँ पे इस फोर्थ ऑप्शन में सेंट हो रहा है. कर्सर अच्छे से देखना मैं कहाँ पे रख रहा हूँ. तो यहाँ पे सिंपली सेंड करना है बिल को. किस चीज के लिए, कलेक्शन के लिए. मतलब ये ऑप्शन मिस्टर ए जैसे लोग कभी एक्सरसाइज करते हैं. तो सपोज मिस्टर ए सूट बूट तो देके लग ही रहा है तुम लोग को, बड़ा बिजनेसमैन है ये. बड़ा बिजनेसमैन है मतलब इसके पास टाइम नहीं ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए. तो मिस्टर ए ने ऐसे बहुत सारे मिस्टर बी जैसे लोगों को क्या किया है, गुड्स क्रेडिट पे बेचा है. बहुत सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसके पास पड़े हैं. अभी हर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक अपना अपना ड्यू डेट आएगा. मतलब हर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो 2-3 महीने के लिए बना है उसका ड्यू डेट आएगा, जिस तारीख को उससे पैसा लेने का है. तो बोलता है हर एक ड्यू डेट पे जाने का, मिस्टर बी जैसे लोगों से पैसा वसूल करने का. बोलता है मैं वसूली पे ध्यान दूं या मेरे बिजनेस पे ध्यान दूं. तो बोलता है ये मच मेरे को नहीं रखना है. तो क्या करूं, तो सीधा जा बैंक को ये सब बिल उठा के दे दे. बैंक तेरे लिए एज एजेंट काम करेगी. मतलब बैंक तेरे को कलेक्शन करके देगी उन सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का. एंड अगेन द क्वेश्चन अराइज, क्या ये बैंक फोकट में काम करेगा, नहीं. बैंक इस चीज के लिए लगाएगा बैंक चार्जेस. क्या लगाएगा, बैंक चार्जेस. ये सेकंड और फोर्थ ऑप्शन का मैं डिफरेंस बोलना चाहता हूँ. दिस वाज द सेकंड ऑप्शन. देख पा रहे हो कल्चर का पे, ये सेकंड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन, दोनों ऑप्शन का क्या डिफरेंस है. यहाँ पे भी बैंक है, यहाँ पे भी बैंक है. बट यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेकंड ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सेल कर ले. फोर्थ ऑप्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जस्ट सेंड कर ले. क्या कर ले, सेंड कर ले. सेकंड ऑप्शन में बैंक अपने को इमीडिएट पेमेंट करता है, इमीडिएट, लेकिन पेमेंट थोड़ा अमाउंट डिस्काउंट में करता है. फोर्थ ऑप्शन के अंदर बैंक इमीडिएट पेमेंट नहीं करता है. बैंक तभी पेमेंट करेगा जब उनके पास कलेक्शन होएगा, यानी ऑन द ड्यू डेट बैंक पेमेंट करने वाला है. इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट होएगा नहीं, और यहाँ पे पेमेंट पूरा होएगा बस बैंक क्या काट लेगा, बैंक चार्जेस. यहाँ पे टर्म यूज करेंगे बैंक चार्जेस. यहाँ पे जो कम पैसा मिलता है उस चीज को क्या यूज करेंगे, वर्ड सेकंड ऑप्शन में डिस्काउंट. ओके तो ये यहां तक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्टोरी. अब तक अपन यहां तक आ चुके हैं. अब इसमें और आगे क्या होता है, ठीक है, और आगे क्या हो सकता है. तो और आगे होने की ये पॉसिबिलिटीज है, ये चांसेस है कि ये सब मैंने ऑप्शन तो यूज कर लिया. ये यहां तक का पहली स्टोरी आपको समझाए, तो मुझे सेम स्टोरी के साथ आगे बढ़ना है विद द डेट, ताकि आपको और डिटेल अंडरस्टैंडिंग आए. तो एक बार फिर से बोलना है मुझे, मिस्टर ए ने क्या किया, बिल बनाया किसके नाम से, मिस्टर बी के नाम से. क्यों बनाया, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया था, उसके ऊपर डाउट था. तो पैसे के रिकवरी का चांसेस बढ़ाने के लिए मिस्टर ए ने एक पीस ऑफ पेपर उठा, उसके ऊपर सब चीज लिखी, जिसको हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला. फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिस्टर ए क्या कर सकता था, टाइम पीरियड के लिए अपने पास रख सकता था. तो उसको हमने फर्स्ट ऑप्शन बोला, दैट इज रिटेनमेंट ऑफ द बिल. अपने पास रख सकता था, तो उस ऑप्शन को हमने बोला फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज रिटेनमेंट ऑफ द बिल. ओके, अगर अपने पास उसको नहीं रखना, इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने बोला उस बिल को उठा के किसको दे, बैंक को दे. इस प्रोसेस को बोला सेकंड ऑप्शन, दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल. अगर उसको इमीडिएटली कैश की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन कोई और बंदा है जिसको उसको पेमेंट करना है, तो थर्ड ऑप्शन हमने बोल दिया, दैट इज एंडोर्समेंट ऑफ द बिल. एंड लास्ट ऑप्शन विद द मिस्टर ए, कि वो बिल को क्या कर सकता है, किसी बैंक को दे सकता है फॉर द कलेक्शन पर्पज, और बैंक उसका ड्यू डेट पे कलेक्शन करके किसको पैसा देगी, मिस्टर ए. तो ये तो जस्ट मैंने एक स्टोरी दे दिया, एक आइडिया दे दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजेक्शन कैसे रन होते हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है. तो इतने बैकग्राउंड के साथ चलो, अब टाइम आ चुका है अपन समझते इस चैप्टर के अंदर जो प्रॉपर
टर्म्स यूज किए जाते हैं वो टर्म्स को समझने का टाइम है। तो क्या रिसर्व एक्सचेंज के अंदर टर्म्स वो लोग यूज करते हैं वही अपने को यूज करना है। ओके, एक एक करके उन टर्म्स के डेफिनेशन के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। ये स्टोरी क्लियर है तो प्लीज क्या टर्म्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उनको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ये डिस्प्ले पे देख पा रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दैट इज ड्रॉवर। वो इज ड्रॉवर, तो ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। ठीक है, ये सब डेफिनेशंस का जो अपना एक्चुअल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इसका पूरा डिटेल नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं मेरे फेसबुक पेज के ऊपर आपको ये अवेलेबल करा दूंगा। ओके, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा ये डेफिनेशंस के लिए। तो हु इज ड्रॉवर, ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। ओके, ड्रॉवी, हु इज ड्रॉवी, ड्रॉवी इज अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। डेफिनेशन आराम से समझ में आएगा, बस एक एक करके मैं जो बोल रहा हूँ अभी के लिए तुम लोग को बस सुनना है। एक एक करके फिर से बोलूं तो ड्रॉवर इज अ पर्सन हु, क्या बोला मैंने, ड्रॉज द बिल, ड्रॉज द बिल इट मीन्स जो बिल बनाता है, जो बिल ड्रॉ करता है। तो चलो मैं फिर से अपने स्टोरी पे आता हूँ और स्टोरी पे आके मेरे को बताओ, मिस्टर ए जो सेलर है और मिस्टर बी जो अपना बायर है, बोलो दोनों के केस में वो कौन बंदा है जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है, मिस्टर बी ड्रॉ करता है कि मिस्टर ए ड्रॉ करता है? कौन ड्रॉ करेगा, किसको जरूरत है, किसको अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, किसको आगे जाके अपना लॉस नहीं कराना है? मिस्टर ए ना, मिस्टर ए सेलर को तकलीफ है ना, मिस्टर बी पैसा देगा नहीं देगा उसको डाउट है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता कौन है, मिस्टर ए बनाता है, जिसके ऊपर साइन लेता है मिस्टर बी का और मिस्टर बी साइन करके फिर से मिस्टर ए अपने पास वो बिल रख देता है। इट मीन्स बिल बनाया कौन, तो मिस्टर ए बनाया। तो मिस्टर ए को ही अपन मिस्टर ए नहीं बोलेंगे, तो इस चैप्टर के अंदर उसको नाम है ड्रॉवर। अगेन अभी डेफिनेशन तो आपका बायटिव जाना चाहिए, हु इज ड्रॉवर, तो ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। अपने एग्जांपल में मिस्टर ए इज द ड्रॉवर। अभी इधर से समझ लेते हैं फिर मिस्टर बी कौन हो गया, क्या मिस्टर ए ने बिल ड्रॉ किया? नहीं, मिस्टर ए ने बिल के ऊपर साइन किया। तो मिस्टर ए जब बिल के ऊपर साइन करता है ना, तो सिर्फ वो साइन नहीं करता है, उसके ऊपर एक वर्ड लिख देता है एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मतलब उन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट में लिखी हुई कंडीशंस के साथ वो एग्री है, तो एक्सेप्टेड वर्ड लिख के साइन कर देता है। तो मिस्टर बी इज द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, और वी कैन से दैट मिस्टर बी इज द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। मिस्टर ए ने जो बिल बनाया था किसके नाम से बनाया था, मिस्टर बी। तो मिस्टर बी को अपन इस चैप्टर में बोलेंगे ड्रॉवी। क्या बोलेंगे, ड्रॉवी। ये दो डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो हु इज ड्रॉवर, तो ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। हु इज ड्रॉवी, तो ड्रॉवी इज अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। नाउ मूविंग अहेड, हु इज पेई, देन पेई कौन होता है, तो पेई इज अ पर्सन हु रिसीव्ड द फाइनल अमाउंट ऑफ द बिल। अच्छे से सुनना, पेई इज द पर्सन हु रिसीव्ड द फाइनल अमाउंट ऑफ द बिल। तो ड्रॉवर अपने एग्जाम्पल में था मिस्टर ए, ड्रॉवी अपने एग्जाम्पल में था मिस्टर बी, पेई अपने एग्जाम्पल में कौन है, ये भी एक पर्सन है। तो पेई का तो नाम मिस्टर सी ऐसा कोई मिला नहीं, मिस्टर सी एक था बट वो कोई अलग पार्टी। मिस्टर ए को ड्रॉवर इसके लिए बोला क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टर्म मिस्टर ए ने बिल क्या किया था, ड्रॉ किया था। मिस्टर बी को ड्रॉवी इसके लिए बोला क्योंकि बिल उसके नाम से बना था, मतलब उसने बिल को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। ये कुछ मैं शॉर्टकट कीज दे रहा हूँ तुम लोगों को समझ में आने के लिए कि ड्रॉवर किसको बोलने का, जो बिल ड्रॉ करता है, बिल एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोल देने का, ड्रॉवी बोल देने का। पेई कौन होता है, पे इज द पर्सन हु रिसीव्ड फाइनल अमाउंट ऑफ द बिल। बिल के ऊपर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर जो एक अमाउंट लिखी होती है ना, जो भी एक अमाउंट 10,000 और 1,000, वो अमाउंट जिसको रिसीव्ड होती है उस पर्सन को बोला जाता है पेई। तो चलो अपने स्टोरी में देखते हैं कि कौन है वो पेई जिसको पैसा मिलने वाला। तो पेई सिचुएशन वाइज चेंज होते रहते हैं। क्या क्या सिचुएशंस थी, सिचुएशंस यानी ऑप्शन, बोलो यार अभी मालूम हो जाना चाहिए। How many options do Mr. A यानी ड्रॉवर have? तो ड्रॉवर के पास चार ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन बोलो ना क्या था, फर्स्ट ऑप्शन was रिटेनमेंट ऑफ द बिल, सेकेंड ऑप्शन was डिस्काउंट ऑफ द बिल, पूरा भर गया ये स्क्रीन लेकिन ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या था, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल, और फोर्थ ऑप्शन क्या था, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये चार ऑप्शन थे जो मिस्टर ए के पास थे। अभी इन चार ऑप्शन में क्या होता है, अगर बिल रिटेन, फर्स्ट ऑप्शन में रिटेन किया मतलब मिस्टर ए ने किसी और को दिया था कि अपने पास रखा था, बोलो ना,
बोलते नहीं है। हाँ बराबर बोला, चल अपने पास रखा था। तो मिस्टर ए ने अगर बिल अपने पास रखा था तो जब भी उसका ड्यू डेट आएगा, मतलब बिल का पैसा मिलने का टाइम आएगा, तो किसको मिलेगा? मिस्टर ए को ही मिलेगा ना। मतलब पैसा मिला किसको? मिस्टर ए को ही मिला। तो मिस्टर ए को मैं बोलूंगा पे। कोई बोलेगा यार अभी थोड़ा टाइम पहले तो ड्रॉवर बोला, अभी फिर पे बोल रहा है। हाँ तो ड्रॉवर हिमसेल्फ पे बन जाएगा इन द केस ऑफ रिटेन ऑफ द बिल, क्योंकि रिटेन बिल में जो ड्रॉवर है उसी को पैसा मिलता है, तो ड्रॉवर को ही तो पे ही बोलेंगे यार। नहीं समझा ये पॉइंट तो आगे से समझेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ सिचुएशन से जरूर समझ में आएगा, बस सुनते रहना। डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल डिस्काउंट किया मतलब देना बैंक को दिया, देना बैंक को दिया तो देना बैंक ने अपने को पैसा दे दिया था एडवांस में, याद कर थोड़ा पैसा काट के। हाँ तो देना बैंक ने अपने को पैसा दे दिया, फिर जब भी बिल का ड्यू डेट आएगा तो फिर से मिस्टर बी अपने को ही पैसा देगा, क्या है दो बार थोड़ी अपने को पैसा मिल सकता है। तो मिस्टर बी पेमेंट किसको करेगा? इस देना बैंक को करेगा। तो फाइनली अमाउंट ऑफ द बिल किसको मिला? देना बैंक को मिला। तो देना बैंक इज द पे इन द केस ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। डिस्काउंटिंग के केस में जो देना बैंक है उसको पैसा मिलेगा, तो देना बैंक को पे ही बोलेंगे। एंडोर्समेंट के केस में बोलो फिर पैसा किसको मिलेगा बिल का? मिस्टर सी को मिलेगा, तो मिस्टर सी को पे ही बोलेंगे। एंड लास्ट ऑप्शन सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में अपना बैंक को क्या मिलेगा पैसा? तो अपना बैंक को पे ही बोलेंगे। बट अपना बैंक क्या करता है? अपने अकाउंट में पैसा डालता है, तो इनडायरेक्टली अपन ही पे ही हो जाता है। तो पे ही के ऊपर मुझे गौर करना है थोड़ा, फिर से बोलो ना मेरे को यार प्लीज। पे इज द पर्सन हु रिसीव्ड द फाइनल अमाउंट ऑफ द बिल। क्या पे ही कोई एक बंदा है? नहीं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। फोर जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन रिटेन के केस में जो ड्रॉवर है उसी को पे ही बोलते हैं। सेकेंड डिस्काउंटिंग के ऑप्शन में, इसके लिए मैंने बैंक्स को अच्छे से समझने के लिए नाम दे दिया, देना बैंक को पे ही बोलेंगे। थर्ड एंडोर्समेंट के ऑप्शन में मैं मिस्टर सी को पे ही बोलूंगा, क्योंकि उसको अल्टीमेटली फाइनली बिल का पैसा मिलेगा। एंड लास्ट ऑप्शन के अंदर जो अपना बैंक है ना उसको मैं टेम्पररी पे ही बोलेगा, बट इनडायरेक्टली वो पैसा अपने अकाउंट में डालता है, तो ड्रॉवर ही कौन बन जाएगा? पे ही बन जाएगा। इनडायरेक्टली ड्रॉवर विल बी द पे, डायरेक्ट पे इज द अपना बैंक। आई होप ये तीन डेफिनेशन आपको अच्छे से समझिए, और ये आंसर इन वन सेंटेंस के अंदर पूछा जाता है। तो एक बार रिपीट करता हूं मैं फटाक से, ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉवर इज अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, पे इज अ पर्सन हु रिसीव्ड द फाइनल अमाउंट ऑफ द बिल, और ये चार सिचुएशन का पे कौन कौन है सामने लिख लिया है। नाउ व्हाट इज डेट ऑफ बिल? ये कुछ सिंपल है, डेट ऑफ बिल यानी द डेट ऑन विच बिल इज ड्रॉन। क्या बोला था, रिपीट करेंगे क्या? डेट ऑफ बिल यानी द डेट ऑन विच बिल इज ड्रॉन। देन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब डेट ऑन विच द बिल इज एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवी। ड्रॉवी जिस तारीख को, शायद वो एक दो दिन लगा बिल एक्सेप्ट करने के लिए, शायद वो टाइम लेगा बिल को एक्सेप्ट करने के लिए, कंडीशंस को समझने के लिए। तो इसके लिए जिस दिन ड्रॉवी अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर साइन करता है ना, उस साइन करके डेट डाल देता है, दैट डेट इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस का डेट। नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है, फाइनल ड्यू डेट क्या होता है? नॉमिनल ड्यू डेट, फाइनल ड्यू डेट, अभी के लिए इतना डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तुम सिर्फ ड्यू डेट में जैसे कब से सुन रहे हो, अभी के लिए इतना समझो, ड्यू डेट यानी वो डेट जिस दिन को बिल का क्या होता है, बिल का लास्ट डेट इज द ड्यू डेट। बिल का लास्ट डेट मतलब तीन महीना खत्म होने की बात की डेट, जिस तारीख तक एटलीस्ट पैसा आ जाना चाहिए था उस तारीख को, उस लास्ट तारीख को बोलने का ड्यू डेट। ये डिटेल में नॉमिनल फाइनल में अभी नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत हेवी हो जाएगा ये। नाउ हॉनर डिसऑनर रिटायर के ऊपर भी मैं अभी बात नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। रिन्यूअल ऑफ द बिल के ऊपर भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा, रिन्यूअल ऑफ बिल पे भी मैं बाद में बात करूंगा। ये सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में सब हेवी हो जाएगा। तो अब तक जितना मैंने बैकग्राउंड दिया है उसको अच्छे से समझो, ऐसे और वीडियोस के साथ में आते रहूंगा। ये जो स्टोरी एक हमने ये जो डिस्कस किया था इसको तो मैं रोज रिपीट करते रहूंगा जब तक तुम्हारे दिमाग में वो बैठ नहीं जाती, क्योंकि आपको अभी सीख रहे हो तो पता नहीं चलता कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज का। क्वेश्चन चालू हो जाएगा ना तो तुम लोग को फील आएगा, एक क्वेश्चन करने के बाद पता चलेगा हाँ ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, तो ये पूरा चैप्टर अपन आपको पूरे चैप्टर की वीडियोस यही से मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट फॉर द टाइम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।